चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में देर रात से लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते यहां पर जो है वो ठंड बढ़ गई है। बद्रीपुरी में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। हाल ही में आपको बता दें कि चमोली से बड़ी खबर सामने आई है, बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला है। बद्रीनाथ धाम में देर रात से बर्फबारी जारी है। वहीं बर्फबारी के चलते यहां पर है ठंड बढ़ गई है। बद्रीपुरी में लगातार बर्फबारी हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग का चमोली जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का अलर्ट सच साबित हुआ है। जी हां, बद्रीपुरी में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर से लेकर बस स्टैंड तक यहां पर बर्फ जमी हुई है। वहीं आपको बता दें जो बर्फ है करीब 1 से 1.5 इंच तक यहां पर मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बद्रीनाथ धाम में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये दुर्लभ नजारे। भू बैकुंठ धाम पूरी तरह से बर्फ के आगोश में समाया हुआ है। चारों तरफ सफेद बर्फ ही नजर आ रही है। कैसे प्रकृति ब्रह्म मुहूर्त में आसमान से सफेद बर्फ में फाहों से भगवान बद्री विशाल की नगरी को सफेद रंग में रंगती नजर आ रही है। ये पूरा बद्रीनाथ धाम बर्फबारी के चलते शीतलहर की चपेट में है। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में देर रात से बर्फबारी जो है लगातार हो रही है। बर्फबारी के चलते यहां पर ठंड बढ़ गई है। बद्रीपुरी में लगातार बर्फबारी जो है वो रात से जारी है। मौसम विभाग का चमोली जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का अलर्ट सच साबित हुआ है।